उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरे जगह आना जाना अक्सर आपने किया भी होगा और आप कर भी रहे होंगे। इससे लॉकडाउन में कोरोना काल में आखिर कैसे बचेगा उत्तराखंड? क्या तैयारी है सरकार की? सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है? मास्क भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? देखिए जरा कितनी भीड़ है और कैसे धक्का मुक्की करके लोग आगे खिसक रहे हैं। देखो एक गाड़ी अगर जिस रूट में हो तो उस रूट का यही हाल होना है। आखिर हर बार जनता ही क्यों पिसती है? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या उत्तराखंड के मंत्री, विधायक, नेताओं के फैमिली वाले, बच्चे, परिवार वाले भी इसी तरह से सफ़र कर रहे होंगे? अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तराखंड सरकार की आंखें खुले और ये किस तरह से एक बस में लोग चढ़े जा रहे हैं। आखिर लोगों की भी क्या गलती है? बस ही अगर जिस रूट में एक हो तो वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी है। किराया भी दुगना दे रहे हैं, लेकिन कितनी जिम्मेदारी है, कितने सुरक्षित हैं पहाड़, कितने सुरक्षित हैं पहाड़ों के वो लोग, भोले भाले लोग जिनको बीमारी का एहसास तक नहीं है। कोरोना काल में ऐसे धक्के मुक्की से बस में चढ़ना, बस के अंदर लोग खड़े होके चल रहे हैं, कहाँ दो सीट में एक पैसेंजर को बिठाने की बात है, लेकिन यहाँ तो खड़े होके चल रहे हैं लोग।